हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नमस्ते कनाडा। और मैं हूं नीरज। आज हम एक इंटरेस्टिंग वीडियो देखने वाले हैं जो कि है डिफेंसिव ऑफेंस चैनल की तरफ से, जिसका टाइटल है मेजर गौरव आर्या एक्सप्लेन सिचुएशन इन अफगानिस्तान एंड इट्स फ्यूचर। जैसा कि आपको पता ही है कि अफगानिस्तान में तालिबान ने टेक ओवर कर लिया है और उसकी वजह से सिचुएशन क्या इवॉल्व हो रही है, सिचुएशन बेहतर की तरफ जा रही है या खराब हो रही है और उसका फ्यूचर क्या होगा, आई थिंक ये वीडियो इसके बारे में है। मेजर गौरव आर्या का ओपिनियन आपने डिफेंसिव ऑफेंस चैनल पे पहले भी सुना होगा, बहुत पॉपुलर है मासिस में ये, तो हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे वीडियो के एंड में। और आपके भी जो कमेंट्स हैं वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्या और आप देख रहे हैं डिफेंसिव ऑफेंस। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए। तो वैभव, अफगानिस्तान में जो तालिबान ने टेक ओवर करा तो अफगान आर्मी फोल्ड हो गई पूरी, जो कि किसी ने एनालाइज नहीं करा था, किसी ने भी एनालाइज नहीं करा था। पाकिस्तानी बड़ी खुशियां मना रहे हैं, क्यों ना, दुनिया कह रही थी तालिबान हैं, इस्लामिक वॉरियर्स हैं, जिहादी हैं, ये कर देंगे। कार्ल मार्क्स ने बोला है कि रिलीजन इज द ओपियम ऑफ द मासेस, जो खल्क है, जो आवाम है, उसका अफीम है मजहब। तो मजहब को कार्ल मार्क्स ने एक अफीम की तरह बताया है और वो अफीम पाकिस्तानी चाटते हैं। उनको लगता है कि ये जो विक्ट्रीज हैं तालिबान की, ये इसलिए हैं क्योंकि वो सच्चे मुसलमान हैं। कई पाकिस्तानियों को लगता है इनकी विक्ट्री का इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है, कंप्लीट नॉन पैसे का है, खजूर बटे हैं, ठीक है। क्योंकि ये हमारा भी एनालिसिस था और स्टेट डिपार्टमेंट का भी एनालिसिस था कि फोल्ड तो हो जाएंगे लेकिन टाइम लगेगा, दे विल बी एबल टू होल्ड इट ऑफ। अफगान आर्मी का जो जो एक कल्चर बना है, देखिए वो इंडिया में आए ट्रेनिंग के लिए, उनको अमेरिकन ने भी ट्रेन करा है ना, तो आप उनको लड़ने का तरीका सिखा सकते हैं। जज्बा तो आपके अंदर होता है ना, तो जज्बा आपके अंदर होता है। मैं आपके अंदर जज्बा नहीं डाल सकता, मैं आपके अंदर जुनून नहीं डाल सकता, मैं आपको तरीका सिखा सकता हूँ कि भाई राइफल ऐसे पकड़नी है, ऐसे आगे बढ़ना है, उधर देखो, उधर देखो, इस आई कैन टीच यू माइनर टैक्टिक्स, आई कैन टीच यू स्ट्रेटजी, आई इन द सेंस द इंस्ट्रक्टर्स दे कैन टीच यू दिस, राइट, दे कैन टीच यू हाउ टू फाइट, बट वाई टू फाइट वाला जो कॉन्सेप्ट है ना कि मैं क्यों लड़ूं, वो तो इंसान अपने अंदर लेकर पैदा होता है या फिर वो उसका एनवायरमेंट जो है वो डेवलप करता है। अच्छा, बात यह है कि अफगान आर्मी ने जो भी हुआ पैसे वैसे लिए, खत्म करा मामला, अशरफ गनी भाग गया और इतने पैसे लेकर भागा कि उसका हेलीकॉप्टर टेक ऑफ नहीं कर पा रहा था। भाई का जो हेलीकॉप्टर था अशरफ भाई का, वो टेक ऑफ नहीं कर पा रहा था, तो उसको जमीन पे पैसे डालने पड़े $4-5 million। उसने बोला भाई मैं मारा जाऊंगा, तो पैसे लेके भागा। ये पैसे कहां, अमेरिकन ने तो जाहिर सी बातें नहीं दिए। हु इज द अदर पर्सन और द प्लेयर, द चाइनीज। चाइनीज गेव मनी टू एवरीबडी। आपने देखा, आपने एक बात नोट करी, देखिए अगर तालिबान अफगान आर्मी के हजारों लोगों को मार देता फॉर एग्जाम्पल, और फिर काबुल में अपना झंडा गाड़ देता फतेह का, अफगानिस्तान के फ्लैग को निकालता और तालिबानी झंडा ऊपर करता, हम मानते कि साहब क्या विक्ट्री है। यहां पे तो लड़ाई नहीं हुई, यहां पे लड़ाई नहीं हुई, और ऐसा नहीं कि अफगान आर्मी डर गई, अफगान आर्मी लड़ी नहीं। अफगान आर्मी क्यों नहीं लड़ी, क्योंकि पहले से डील हो रखी थी। भाई हम तो यह मान के चलेंगे, जब मैंने यह बोला था और मैंने डिफेंसिव ऑफेंस में भी यह बात बोली थी पहले कि साहब यह 3.5 लाख है, 75,000 है, हाउ कैन यू विन, इट्स इंपॉसिबल। तो मैं ये मान के चल रहा था, क्योंकि मैं इंडियन आर्मी का हूं, मैं ये मान के चल रहा था कि जैसे इंडियन आर्मी है वैसी ही दूसरी फौजों में भी वही जज्बा होगा। हमारे यहां तो रेजांगला के एग्जाम्पल्स हैं, जहां पे मेजर शैतान सिंह भाटी और उनके लोग पत्थरों से लड़े हैं चीनियों के सामने। तो हमारे सामने तो एग्जाम्पल्स हैं बैटल ऑफ रेजांगला के, जहां पे 122 13 कुमाऊं रेजिमेंट 40 कंपनी के, वो चढ़ दौड़े 3,000 चाइनीज के ऊपर, और 122 में से 114 वीरगति को प्राप्त हो गए, लेकिन चढ़ दौड़े। क्योंकि देखिए, लड़ने का जज्बा हम कैसे देते हैं अफगानों को, हम तो लड़ने का जज्बा नहीं दे सकते, हम ट्रेनिंग दे सकते हैं, लड़ाई के तौर तरीके सिखा सकते हैं। बहरहाल क्या हुआ कि कलैप्स हो गई, फोल्ड हो गई अफगान आर्मी, अब तालिबान वहां पे आके काबिज हो गए। वैभव, जैसे मैंने बोला था ना, रिलीजन इज द ओपियम ऑफ द मासेस, यही अफीम जो है पाकिस्तानियों को चटाई, चटी तो पहले से थी, यही अफीम चाट के उनका मुल्क बना था। टू नेशन थ्योरी जो जिन्ना किया ना, हेट्रेड टुवर्ड्स द हिंदूज, अब क्या हुआ कि जब से जियाउल्लाह आया तो अफीम और चटवा दी, अब ये ओपियम एडिक्ट हो चुके हैं, अब ये रिलीजन के आगे नहीं देख पाते। तभी ओलंपिक से लेकर इनके जीरो मेडल से लेकर इनके पीएचडी जीरो हैं, इनकी इकोनॉमी जीरो है, सब कुछ जीरो, सिर्फ इनकी आईएसआई और आर्मी नंबर 1 है दुनिया में,
ये हमें मानना पड़ेगा भाई, है ना। यू नीड टू बी नंबर वन फॉर 93,000 सोल्जर्स टू सरेंडर, तो नंबर वन तो है सही है। तो वो जो है, इसके अलावा पूरा देश जो है नंबर 10 पे है। क्यों? रिलीजन। इसमें गलती मैं मानूंगा पाकिस्तानी आवाम की, पाकिस्तानी खल्क की, कि उनको एक ऑब्सेशन है इस्लाम के साथ जो कि अनहेल्दी है। रिलीजन इज योर प्राइवेट मैटर। अब देखिए खुशियां मना रहे हैं, तालिबान आ गया, तो मैं जो भी पाकिस्तानी भाई और बहनें देख रहे हैं, पहली बार तो मैं अपना मुबारकबाद आपको पेश करता हूं। पहली बात मैं ये बता दूं आपको, हम आपको मुबारकबाद पेश करते हैं कि आपके भाई काबुल पर काबिज हो गए, बहुत ही बढ़िया। दुनिया का तर्जिया गलत हुआ, हमारा भी हुआ, हमारा एनालिसिस गलत था, हमें लगा था कि थोड़ा टाइम लगेगा या हरा ही देंगे वो लोग, नहीं आता, कोई बात नहीं, आपके भाई आ गए तल। अब हम आपको ये विश करते हैं, और हमारा ये दिली ख्वाहिश है कि जिस तालिबान राज को, जिस तालिबान हुकूमत को, जिस निजाम को जिसकी आप इतनी तारीफ कर रहे हैं, आपका प्राइम मिनिस्टर जिसकी इतनी तारीफ कर रहा है कि अब आज़ादी मिल गई है अफगानिस्तान को, और उन्होंने जहनी आज़ादी की बात करी और जहनी गुलामी की बात करी, ये सब बातें करी, हम चाहते हैं कि आपको भी वही निज़ाम मिले तालिबान का। वो ज़रूरी है पाकिस्तान में, क्योंकि मजहब के साथ इतना फैसिनेशन है, और ये कहते हैं खुद पाकिस्तानी कि भाई प्योर मुस्लिम्स कौन है, प्योर मुस्लिम्स तो वही हैं तालिबान। तो भाई आपको भी अच्छा मुसलमान बनना है, और खुदा करे कि आपके ऊपर भी तालिबानी निज़ाम कायम हो। गुड लक। तो अगर नसीर भाई आज की तारीख में चोरी करते हैं, तो नसीर भाई को 6 महीने की जेल होगी, लेकिन तालिबानी निजाम के अंडर नसीर भाई अगर चोरी करते हैं तो उनके दोनों हाथ कटेंगे। और अगर अब्दुल भाई झूठ बोलते हैं तो झूठी गवाही के 3 या 6 महीने की कैद है पाकिस्तानी आईन के अंदर, लेकिन अगर तालिबानी निजाम होगा, शरिया होगा, तो फिर अब्दुल भाई की जबान कटेगी। तो अब्दुल और नसीर दोनों गए भीख मांगने के लिए, ना तो भीख मांग पाएंगे क्योंकि जबान कटी है, और अगर कोई भीख देता भी है तो ले नहीं पाएंगे क्योंकि हाथ कटे। तो ये दिस इज समथिंग दैट पाकिस्तानीज हैव टू थिंक। अच्छा, एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो है, उसको पाकिस्तानियों ने यह कह दिया कि साहब ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये तो इसकी फंडिंग रॉ करती है, भारत करता है, ठीक। यानी कि जो अफगान सरकार के ऊपर तालिबान अटैक कर रही है या करती थी, वो अच्छी है क्योंकि किसी और के ऊपर अटैक कर रही है, वो गाजी हैं, वो मुजाहिद हैं, वो फलाने हैं, वो ढिमका हैं, वो अच्छे लोग हैं, क्योंकि आपको हामिद करजाई पसंद नहीं, आपको अब्दुल्ला पसंद नहीं, आपको अशरफ गनी पसंद नहीं, आपको अमरुल्ला सलेब पसंद नहीं, तो उनके खिलाफ जो लड़ रहा है वो गुड तालिबान है, और जो आपके खिलाफ तालिबान लड़ रहा है वो बैड तालिबान है, और जो आपके खिलाफ लड़ रहा है उसकी फंडिंग इंडिया ने करी है, रॉ ने करी है, ठीक। अच्छा, पाकिस्तानी आवाम को इंडियन आवाम तो खट से ना सवाल पूछ लेती है, क्योंकि डेमोक्रेसी है यहां पे। वहां पे तो पूरे 22 करोड़ लोग आज भी बाजवा के बूट के नीचे जिंदा है, खुदा तो उनका बाजवा ही है, सजदा तो बाजवा के बूट के सामने करते हैं। तो पाकिस्तानियों को जब बाजवा कहता है कि देखो चुप रहो, सवाल नहीं पूछोगे, तो जिसको हिंदी में कहते हैं ना कुंद दिमाग हो जाता है, तो ज्यादा टोबैको वबैको खा लेते हैं, जो ज्यादा खा लेते, कह रहे दिमाग कुंद हो गया, सोचने की क्षमता उसकी खत्म हो जाती है। पाकिस्तान में ये चक्कर ना, दीज पीपल डोंट, पाकिस्तानी हैव लॉस्ट द एबिलिटी टू थिंक, राइट। अब उसमें है कुछ, देयर आर वेरी इंटेलिजेंट एंड ब्रिलियंट पाकिस्तानी, जिनका मैं खुद फैन हूं, इनका नाम भी मैं अक्सर लेता रहता हूं, दे आर ग्रेट थिंकर्स, बट वो लोग रेयर एक्सेप्शन है। तो एक जनरल एनालिसिस देखा गया पाकिस्तान में जो कि जेन्यून है, कि तालिबान आया है, क्या उसके नुकसान भी हैं कि सिर्फ उसके फवायद हैं, लेकिन एक आम पाकिस्तानी 99.9% वो बड़ा खुश है कि तालिबान आ गया, तालिबान आ गया। तालिबान आने से देखिए बात यह है ना कि हमने गुड तालिबान बैड तालिबान की बात करी, हमने तहरीक तालिबान पाकिस्तान की बात करी, और तहरीक तालिबान पाकिस्तान क्योंकि पाकिस्तानी ऐसा समझते हैं कि भाई उसकी फंडिंग तो इंडिया करता है, क्योंकि पाकिस्तान के खिलाफ वो काम करता है। अब तहरीक लबैक ने जो काम करा लाहौर में, आधा लाहौर जला दिया उन्होंने, और यतीम खाना वाला जो एरिया है पूरा उसको बिल्कुल फूंक दिया उन्होंने। अब ये बोलिए कि वो भी इंडिया पैसे देता है उनको। देखिए, मैं पाकिस्तानी भाइयों बहनों को एक बात समझाना चाहता हूं, आप जितना इस्लाम 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 करेंगे, आप एक बात बताइए, क्या डेमोक्रेसी जिसको हिंदी में लोकतंत्र कहते हैं, क्या डेमोक्रेसी इस्लामिक निजाम है? नहीं है। डेमोक्रेसी एक, ये गोरों का निजाम है, ये मगरिब से आया है,
ये इंट्रिंसिक टू द सॉइल नहीं है, ये जिसको कहते हैं कि इट इज नॉट बॉर्न फ्रॉम द सॉइल। तो यहां पे यानी कि पाकिस्तान की जमीन से ऐसे लोग उठते रहेंगे जो अपने आप को बेहतर मुसलमान साबित करने के चलते ये कहेंगे कि पाकिस्तान के आईन को मत मानो, क्योंकि आईन क्या होना चाहिए उनके हिसाब से, आईन होनी चाहिए कुरान, और खुद मुख्तारी सिर्फ अल्लाह की है। सोवरेनिटी बिलोंग्स टू अल्लाह अलोन, इट डज नॉट बिलोंग टू एनी ह्यूमन बींग और एनी नेशन स्टेट। और एनी वे पॉलिटिकल इस्लाम में नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट है नहीं, उम्मा है ना, सब भाई हैं, सारे मुसलमान सारे मोमिन भाई हैं। तो यार मुझे लगता है वैभव कि कहीं ना कहीं इनका एनालिसिस बहुत ज़्यादा गलत हो गया, अब ये ठोकेंगे। तो इसके पहले कि मैं तर्जिया करूँ, अपना एनालिसिस दूँ और बताऊँ कि क्या है मामला, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि ये पहले कह रहे थे ना कि अफगानिस्तान में जो कॉन्सुलेट हैं वहाँ से इंडिया अटैक करवाती है और ये करवाती है और वो करवाती है, ये पाकिस्तानियों ने कई साल तक ये चूरन बेचा। अच्छा, क्योंकि ज़्यादातर कौम वहाँ पे अनपढ़ है, पाकिस्तान में जाहिल लोग हैं, समझ नहीं है, दुनिया के बारे में नॉलेज नहीं है। आप कभी देख लीजिएगा कि जिस तरीके से लोगों को इंटरव्यू करते हैं, जैसा आप बता रहे थे पहले रिकॉर्डिंग से पहले, पाकिस्तानीज हैव अ ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर, आप बोल रहे थे ना, पाकिस्तानीज हैव अ ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर, या तो दीवाना हंसे या फिर उसे वो जिसे वो तौफीक दे, यू सी पागल ही हंसता है ज़्यादा, बिकॉज इन देयर लाइफ देयर इज नथिंग टू लाफ अबाउट। मैं बुराई नहीं कर रहा एक कौम की, मैं सिर्फ ये कर रहा हूं कि उनके पास है कुछ नहीं, इकोनॉमी चौपट, स्पोर्ट्स चौपट, पॉलिटिक्स चौपट, उनकी तीनों पार्टियां एक जैसी हैं। आप नून लीग को ले लीजिए, पीटीआई को ले लीजिए, पीपीपी को ले लीजिए, सब एक दूसरे का मुल्क नाली में जाए उनकी बला से। पाकिस्तान कल बर्बाद होता है, आज बर्बाद हो, आज बर्बाद हो रहा है, अभी बर्बाद हो, मुझे इक्तदार में आना है। जब आपके पॉलिटिशियंस ऐसे होंगे, जब आपके जर्नैल ऐसे होंगे, जब आपका अशराफिया ऐसा होगा, ठीक है, तो आई मीन मुल्क कैसे चलेगा। बहरहाल ये जो पूरा फैसिनेशन है ना कि यार ये देखो ये जो तालिबान आ गया ना, अब इंडिया को सबक सिखाएंगे। इंडिया को कैसे सबक सिखाएंगे, अखबार अखबार पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते, पढ़ाई लिखाई करते हो कि बिल्कुल ही खत्म कर दिया मामला। तो देखो भाई ऐसा है कि तालिबान ने सीधा बोल दिया है इंडिया को, ऑन रिकॉर्ड है, आप जाके इंटरनेट पे चेक कर सकते हैं, कि इंडिया का जो काम रहा है, एनडीआ का है, ENDIA ना ऐसे ही बोलते हैं पाकिस्तानी, एनडीआ का जो काम रहा है अफगानिस्तान में वो काबिले तारीफ रहा है। जो भी एनडीआ ने डैम्स बनाए हैं, रोड्स बनाई हैं, यूनिवर्सिटीज़ बनाई हैं, सड़कें वड़कें, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर हमने बनाया है, हम इसको बर्बाद नहीं करेंगे, हम इसका इस्तेमाल करेंगे। और इंडिया अगर अफगानिस्तान में इंटरफियर ना करे, हमारा कश्मीर से कोई लेना देना है नहीं। तालिबान का कभी था भी नहीं एक्चुअली, तालिबान हैज नेवर थ्रेटन्ड अमेरिका। ये सब जो लोग गए ना अफगानिस्तान से, पता है क्यों गए हैं, क्योंकि दे हैव ऑल्सो रियलाइज्ड ए नोबडी हैज द एपेटाइट टू स्टे इन अफगानिस्तान एंड वेस्ट बिलियंस ऑफ डॉलर्स। या लोग अपने लोगों पर खर्च करेंगे, इनके ऊपर खर्च करेंगे, इन्होंने सुधरना है नहीं, इन्होंने एक दूसरे का गले काटने। तो दुनिया ने एक चीज समझ ली अफगानिस्तान से कि देखो तुम्हें एक दूसरों को मारना है, अपनी औरतों को बुरखों में रखना है, तुम्हें बच्चाबाजी करनी है, तुम्हें एक दूसरे की गर्दनें काटनी है, टेलीफोन पोल के ऊपर अपने दुश्मनों को लटकाना है और लाशों के साथ सेल्फियां, ये मैं पहली बार जिंदगी में देख रहा हूँ, काबुल में लाश का मुंह काला करा और उसके साथ सेल्फी ले रहे हैं। लाश के साथ सेल्फी कौन लेता है, पर अगर ये तुम्हारे शौक है तो तुम अपने शौक पूरे करो, लेकिन अपने शौक जो है तुम अफगानिस्तान में महदूद रखो। अब आप वुमेन्स राइट्स किसको समझा रहे हैं, आप किसको समझाएंगे वुमेन्स राइट्स, तालिबान को? यू वांट टू टॉक टू तालिबान अबाउट रिलीजियस टॉलरेंस, प्लूरलिज्म? जो तालिबानी ये बिलीव करते हैं, और तालिबानों ने जिसको मारा है 99% वो अमेरिकन या हिंदू थोड़ा है, तालिबान ने तो मुसलमानों को मारा है, और उन मुसलमानों को मारा है जो हो सकता है 5 वक्त की नमाजी भी हो, जो रोजे रखते हो, जो जक़ात करते हो, जो हज उमरा में जाते हो, जो 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम को फॉलो करते हो, जो शहादा मानते हो, जो टेस्टिफाई करते हो कि मोहम्मद इज द मैसेंजर ऑफ गॉड एंड देर इज नो गॉड बट अल्लाह, है ना, उन्हीं को मारा है उन्होंने, क्योंकि उनका एक तरीका है सोचने का। और आप उस तरीके से अगर डिसएग्री करते हो तो फिर, और देखो ना वैभव, जो तालिबान आया है कब्जे में, जो काबिज हुआ है तालिबान, वो इलेक्शन के थ्रू तोड़ना हुआ है, कि आपके चुनाव हो रहे थे, लोकसभा के चुनाव हुए भाई अफगानिस्तान में, और तालिबान जीत कर आ गया, और मुल्ला ब्रदर अब यू नो ही इज इलेक्टेड एज द प्राइम मिनिस्टर और द प्रेजिडेंट और समथिंग, ऐसा तो नहीं हुआ वहां पे, वो तो बंदूक के नोक पे आए हैं, क्योंकि वो डेमोक्रेसी को हराम समझते हैं। आप समझिए, वो डेमोक्रेसी को हराम समझते हैं, वो लोकतंत्र को हराम समझते हैं,
ज्योग्राफिकल सॉवरेनिटी का इतना मामला नहीं है उनका, एथनिसिटी पे ज्यादा है। और ये पाकिस्तान के लिए क्यों खतरनाक है? कुछ पाकिस्तानी हैं पढ़े लिखे जो कि बता रहे हैं पाकिस्तानियों को, जो इंटेलिजेंट पाकिस्तानी है वो बता रहे हैं कि भाई तुम इतने ना भंगड़े मत डालो, इंडिया का कुछ नहीं होगा, तुम बर्बाद हो जाओगे। और आज मैं समझाता हूँ, शायद वो ठीक से नहीं समझा पाए। इंटेलिजेंट लोगों की अपनी भाषा होती है, 30,000 फुट पर बोलते हैं, राइट। हम लोग जो इतने इंटेलिजेंट नहीं है, हम तो ग्राउंड लेवल के सोल्जर्स हैं, तो हम अपनी जबान में, जिसको कहते हैं कि आम आदमी की जबान पर, हम समझाने की कोशिश करते हैं। वैभव, इशू ये है कि इसके 4-5 नुकसान है पाकिस्तान को। पाकिस्तान का सबसे बड़ा डेंजर जो है आज की तारीख में, क्योंकि डेंजर भी बदलता रहता है ना, इट शिफ्ट्स रीजन्स, इट शिफ्ट्स टेरिटरीज एंड आइडियोलॉजीज। आज की तारीख में पाकिस्तान का जो इमीडिएट डेंजर है वो उसकी इकोनॉमी नहीं है, वो बलूचिस्तान नहीं है, वो सिंधु देश नहीं है, इट इज पश्तून नेशनलिज्म, जो पाकिस्तान में वायलेंट भी है और अमन पसंद भी है। वायलेंट है वो TTP के रूप में, तहरीक तालिबान पाकिस्तान के रूप में, जो पाकिस्तानी माने ना माने, बट अ सबसेट ऑफ पश्तून नेशनलिज्म इज ऑल्सो, यू नो कि ये खैबर पख्तूनख्वा के ट्राइबल एरियाज हमारे, यार बलोचिस्तान के तो 60-65% पॉपुलेशन ही पश्तून है यार, वहां पर तो बलोची माइनॉरिटी में है बलोचिस्तान के अंदर। फिर कहने का यह मतलब है, मैं वैभव जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि सबसे पहली जो चीज़ है ना, पश्तून नेशनलिज्म को हवा मिलेगी। दूसरी चीज, अभी आपने देखा बगराम में जो छुड़वाए थे ना बंदे जेल में, तालिबान ने क्या करा? तालिबान ने सबसे पहले, जैसे ही जेल वेल छोड़े, सबसे पहले उन्होंने TTP के लोग छुड़वाए वहां पे, तहरीक तालिबान पाकिस्तान। अब पाकिस्तानी आर्मी तो ये समझती है कि जो अफगान तालिबान है, अफगान तालिबान वो अच्छी तालिबान है, वो हमारी तालिबान है जिसको हम कंट्रोल करते हैं, और तहरीक तालिबान पाकिस्तान बुरी तालिबान है, गंदी तालिबान है, बैड तालिबान है जिसको इंडिया कंट्रोल करता है। मुझे एक बात समझ में नहीं आई, अगर इंडिया TTP को कंट्रोल करता है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान को, तो अफगान तालिबान जिसको पाकिस्तान कंट्रोल करता है उसने इनको क्यों छोड़ाया और इनको अपना भाई क्यों बताया? और तालिबान डोमिनेटेड एरियाज में, जो अफगानिस्तान में अफगान तालिबान डोमिनेटेड एरियाज में है, वहां पे खाना पीना दवाई ये सब तहरीक तालिबान पाकिस्तान को क्यों मिलती है? अगर एक इंडिया की पार्टी और एक पाकिस्तान की पार्टी है तो आपस में लड़ाई होनी चाहिए थी, एक थाली से रोटी कैसे खाते हैं? और आप देखिए ये छोटा सा वीडियो देखिए जहां पे कसमें खा रहा है, कौन कौन कसमें खा रहा है, आप देखिए। نبايع الفضل العبقري الامير المكرم نبايع الفضل العبقري الامير المكرم الملا اختر محمد منصور حفظه الله ورعاه الملا اختر محمد منصور حفظه الله ورعاه على السماء وطاعته والهجره والجهاد على السماء وطاعته والهجره والجهاد لإقامة الخلافة الإسلامية على منهاج النبوة ونبايعه في العسر واليسر والمنشط والمكره तो दोस्तों आपने देखा इस वीडियो में किस तरीके से मुल्ला फजलुल्ला, ये पुराना वीडियो है, ही इज swearing allegiance टू मुल्ला मंसूर द अमीर ऑफ द इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान। तो ऐसे कई वीडियोज हैं और इन लोगों ने कभी नहीं बोला कि अफगान तालिबान और तहरीक तालिबान पाकिस्तान अलग अलग हैं, ना ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने बोला है, ना ये अफगान तालिबान ने बोला है। ये लाहौरी जो हैं पाकिस्तान में, लाहौर के टीवी एंकर और उनको देखने वाले यही बोलते रहते हैं। आप एक स्टेटमेंट बता दीजिए जहाँ पे इन दोनों ने एक दूसरे को कंडेम करा और ये बोला कि हमारा हिस्सा ही नहीं। ठीक है, इनके बीच में लड़ाइयाँ भी हुई होंगी, क्योंकि बेसिकली क्या है कि जो भेड़िया है वो बोटी के लिए एक दूसरे से लड़ता है, लेकिन है तो दोनों भेड़िए। अच्छा, तीसरी चीज जो मैं बात करना चाहता हूं, पाकिस्तान के अंदर अटैक्स बढ़ेंगे। पाकिस्तान ये कहता है ना कि इंडिया की राज थी वो कॉन्सुलेट्स का इस्तेमाल करती थी अफगानिस्तान में हमारे ऊपर अटैक लॉन्च करने के लिए। अब तो कॉन्सुलेट बंद हो गई, अब तो कॉन्सुलेट बंद हो गई भाई। हाँ, हमारे 66 ट्रेनिंग सेंटर थे अफगानिस्तान के अंदर, और ये बाबर इफ्तिकार साहब ने और इनका जो है बाल काटने वाला जो फॉरेन मिनिस्टर है ना, शाह महमूद कुरैशी, तो इन सब लोगों ने भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है। 66 इंडिया के टेररिस्ट ट्रेनिंग सेंटर हैं अफगानिस्तान, भाई वो तो बंद हो गए।
आप कह रहे थे 66 हैं, आप कह रहे थे कॉन्सुलेट्स हैं, चलो आप कहते हैं मान लेते हैं। अब मैं इनसे पूछना चाहता हूं, अब तो बंद हो गए, अब तो आपके अब्बू जी बैठ गए अफगानिस्तान में, अब जो अगला अटैक होगा पाकिस्तान के ऊपर आप हिंदुस्तान को ब्लेम मत करिएगा, आप ये मत करिएगा कि ये तो इसका मतलब कि या तो आपके अबू जी नालायक हैं जो कंट्रोल नहीं कर पा रहे, ठीक है। इन्होंने जेल से सबसे पहले अफगान तालिबान तहरीक तालिबान पाकिस्तान माफ कीजिएगा उनको छुड़ाया, इनकी पार्टनरशिप है, ये तीन चीजें हैं। चौथा जो नुकसान है, जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान का स्टेटेड एम है वो क्या है कि जो ट्राइबल एरियाज हैं उसमें उनको निज़ाम कायम करना है इस्लामी, और वही एम अफगान तालिबान का भी है। तो जो पाकिस्तानी मज़े मार रहे हैं मैं उनसे कहता हूँ कि मुनाफिक क्यों बनते हो तुम्हें शॉपिंग मॉल भी जाना है, तुम्हें गर्लफ्रेंड को भी घुमाना है, तुम्हें चुपके से दारू भी पीनी है, तुम्हें सारे मज़े करने हैं ज़िंदगी में, लेकिन अफगानिस्तान में तुम्हें तालिबान चाहिए। मैं ये पूछना चाहता हूँ भाई, तुम्हें तालिबान पाकिस्तान में क्यों नहीं चाहिए? तुम तहरीक तालिबान पाकिस्तान को क्यों नहीं उनका जो ये वली महसूद, तुम उसको क्यों नहीं पाकिस्तान का सदर बना देते? वो चाहता है इस्लामी कानून, और तुम सच्चे मुसलमान हो भाई, तुम तो सच्चे मुसलमान हो, तुम नमाजी हो, तुम अच्छे लोग हो, तुम मोमिन हो, तो उसको बनाओ ना। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान, ये जो आईन है पाकिस्तान का, इसको कहां लेके बैठे हो भाई? ये आईन वाइन का कॉन्सेप्ट तो गोरों का है, वो तो काफिर है। इस्लाम में तो आईन का कोई कॉन्सेप्ट है नहीं, इस्लाम में तो कॉन्सेप्ट सिर्फ कुरान इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, साफ सीधी बात है। और वही मुल्ला उमर का अफगान तालिबान भी कहता है। ये मुल्ला बरादर कौन है? उसी का तो पार्टनर है मुल्ला उमर का, ही इज वन ऑफ द फाउंडिंग फादर्स ऑफ द तालिबान। वो तालिबान 4-5-6 लोगों ने शुरू करा था, उसमें तो यही तो था मुल्ला बरादर, ये भी यही चाहता है। आपका जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है वो भी यही चाहता है। तो ये पाकिस्तानी मुनाफकत करते हैं। जो इस्लामी नजरियाती काउंसिल है ना वैभव पाकिस्तान में, तो उसकी कई ड्यूटीज हैं, पर सर फहरिस्त एक ड्यूटी है कि कोई ऐसा पाकिस्तान के आईन में कोई ऐसा कानून ना बने, या पाकिस्तान की गवर्नमेंट सरकार कोई ऐसा कानून ना बनाए जो कि इस्लाम के खिलाफ हो। तो मैं तो कह रहा हूँ इसका काम ही गलत है, इसका काम ये नहीं होना चाहिए इस्लामी नजरियाती काउंसिल की इस्लाम के खिलाफ ना हो, उसका काम यह होना चाहिए कि इस्लाम ही कानून हो पाकिस्तान का। ये इस्लामी नजरियाती काउंसिल ही फ्रॉड है भाई, इस्लाम के खिलाफ ना हो तो ऐसी कई सारी चीजें हैं, क्योंकि भाई कुरान शरीफ तो 1400-1500 साल पहले लिखी गई थी, ये नाफिज हुई 1400-1500 साल पहले, तब से टेक्नोलॉजी चेंज हो गई। तो हर एक चीज आप मुल्लाओं से मौलानाओं से पूछें, जैसे कि तालिबान पूछता है कि भाई ये ठीक है कि नहीं है, लैपटॉप हमें सीधे हाथ से ऑन करना चाहिए कि उल्टे हाथ से ऑन करना चाहिए? आप पूछें, जब हम पैंट पहनते हैं तो पहले हमें दायां पांव अंदर डालना है कि बायां पांव अंदर डालना है? तो ये मौलाना साहब आपको बताएंगे, ठीक है। फिर आपको ये बनाएंगे बनियान आगे पहननी है कि पीछे पहननी है, उसके ऊपर भी एक फतवा होगा। जब आप चलें फिर मौलानाओं के हिसाब से पूरा चलें। ये आधा ये बर्गर वाले इस्लामाबाद वाले ये अलग चल रहे हैं, ये कराची और लाहौर के कढ़ाई वाले अलग चल रहे हैं, सब अलग अलग चल रहा है पाकिस्तान में, और सब खुश हैं वहाँ पे कि अफगान तालिबान आ गई। अरे अफगान तालिबान आ गई, इतना खुश हो, ये मुझे मैं समझ नहीं पाता इन लोगों। मैं ना पूरे दिन पाकिस्तान के ऊपर पढ़ता हूँ, जितना मैं पढ़ता हूँ मेरा कन्फ्यूजन पता है क्यों? क्योंकि अगर कोई बोले 2+2=4 तो आपको समझ में आता है, अगर कोई बोले 2+2=3 या 5 आपको लगता है कि हाँ एक की गलती हो गई, चलो कोई बात नहीं सीख जाएगा। ये कहते हैं 2+2=117 और अल्बर्ट आइंस्टाइन कंफ्यूज हो जाए पाकिस्तानियों से। अब ये हर समय दूसरे की कामयाबियों का जश्न मनाते हैं, दूसरे की कामयाबी और अपनी बर्बादी इनका जश्न मनाना है, ठीक है। और चाइना ओलंपिक मेडल जीत गया, और चाइना की इकोनॉमी कितनी अच्छी है, और चाइना सुपर पावर है, वो भंगड़े डाल रहे हैं लाहौरी। तो क्या हुआ अगर चाइना अच्छा कर रहा है तो? तुम्हारा क्या लेने देना चाइना से, तुम तो जीरो हासिल करके लाए हो भाई। जब तुम गए थे टोक्यो ओलंपिक्स में तो तुम्हें गोल बटा अंडा मिला है, जिसको लखनऊ में कहते हैं 0-0, तुम्हें तो कुछ मिला नहीं वहां पे। तो ये खुद दुखी नहीं हो रहे कि हमने ये चाइनीज के लिए खुश हो रहे हैं? अर्दुगुल गाजी क्या टीवी सीरियल बनाई है? इमरान खान प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान वो कह रहा है अरे ये है असली इस्लामिक हिस्ट्री, चलो सब लोग अर्दुगुल गाजी देखो, पूरा पाकिस्तान एक टीवी सीरियल देखने में लगा हुआ अर्दुगुल गाजी अर्दुगुल गाजी अर्दुगुल गाजी। अब देखिए आरिफ अलवी कौन है भैया? आपका राष्ट्रपति है, आपका सदर है, वो और उसकी बीवी अर्दुगुल गाजी की ड्रेस पहन के, ये फैंसी ड्रेस चल रहा है पाकिस्तान में?
पाकिस्तान में फैंसी डेट चल रही है, इनको आइडेंटिटी क्राइसिस ये। तुर्की ने तीर मार दिया। अरे फलवी महाजिर, चलो कोई नहीं, वो ठीक है। लेकिन लेकिन पता है मुझे हंसी क्यों आती है, अब बीच में ना मलेशिया को देखा, अरे मलेशिया ने देखो क्या काम कर लिया, मलेशिया ने ठीक है दूसरे की तारीफ कर रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन तुमने क्या करा, तुम छह माले की बिल्डिंग ढंग से नहीं बना सकते। ट्विन पेट्रोनास, आपको पता है ट्विन पेट्रोनास जो बनाए थे टावर हैं वो मुसलमानों ने बनाए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। क्या यार, मैं अजीब पागल लोग हैं यार, और खुद की इनको ये नहीं पता लगा कि अफगान तालिबान और तहरीक तालिबान पाकिस्तान एक हैं। अब पाकिस्तान के अंदर रेडिकलाइजेशन वैसे ही पीक पर है, वैसे ही पीक पर है, अब और बढ़ेगा पाकिस्तान के अंदर, मसाजिदों में स्कूलों में बम फूटेंगे लोगों का। अब ग्रेनेड अटैक हुआ कराची में 4-5 दिन पहले, ग्रेनेड अटैक हुआ वहां पर 12 या 13 लोग मर गए, वो महाराजा रंजीत सिंह का स्टैचू। अब ये सब जो उसका ना बंदा जो उसका वो कर रहा था, जो बिल्कुल उसने तोड़ दिया, अब वो आई थिंक पेपर मैशे का था जो स्टैचू बना। ये सस्ते काम करते हैं ना पाकिस्तानी, ये सस्ते काम करते हैं, पैसा है नहीं इनके पास लोहे का बनाने का, स्टील का, ब्रास का बनाने का, इन्होंने वही पेपर मैशे का वो लोकल कारीगर को दे दिया। बढ़िया, महाराजा रंजीत सिंह वॉज द लायन ऑफ पंजाब, आप उनका बनाएं तो स्टैचू ऐसा बनाएं। आप बोलें इंडिया में सिखों को बोलें वो बनाते, सिख के हमारा भी तो हीरो है महाराजा रंजीत सिंह, हम पैसा देंगे, आप हमें बस जमीन दे दें लाहौर में, हम प्योर 24 कैरेट गोल्ड का बनाते हैं महाराजा रंजीत सिंह का लाइफ लाइक स्टैचू, मजा आ जाएगा देख के। पर आपके पास पेपर मैशे का ही पैसा है तो आप उसी में खुश रहें। अच्छा, वो लबैक वाले ने तोड़ दिया, ठीक है। अब पाकिस्तान के जो टॉप मोस्ट डिफेंस एनालिस्ट हैं जैद हामिद, मैं टॉप मोस्ट क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि पाकिस्तानी मानते हैं उनको टॉप मोस्ट, अपने जनरल्स की इतनी इज्जत नहीं करते जितनी जैद हामिद की करते हैं। दानिश, आप अगर सच्ची बात हमसे पूछते हैं कि मैं अल्लाह से दुआ कर रहा हूं कि अमेरिकन्स वहां से निकलें और इंडियंस को वहां छोड़कर जाएं, बहुत अरसा हो गया है कि अफगानिस्तान में हमने हिंदुओं का कत्लेआम नहीं किया, तारीखी तौर पर यह हमेशा हुआ करता था, जिसी वजह से अफगानिस्तान के पहाड़ों का नाम हिंदू कुश रखा गया है। हिंदू कुश का मतलब है हिंदुओं को कत्ल करने वाली जगह, वो जगह जो हिंदुओं को कत्ल करती है। तारीखी तौर पर जब भी हिंदू अफगानिस्तान में दाखिल हुए हैं इनको वहां ज़िबह किया गया है, और हम दुआ कर रहे हैं अल्लाह से कि अमेरिकन निकले और अफगानिस्तान में अपनी जगह पे बनिए को छोड़कर जाएं, फिर उसके बाद बनिए के साथ हम वो करेंगे कि बनिया उसके बाद अगली 1000 साल की तारीख में अफगानिस्तान और पाकिस्तान की तरफ निगाह उठा के नहीं देखेगा। जैद अहमद वही है जिसकी तशरीफ पे 1000 कोड़े पड़े थे सऊदी अरेबिया में, वहां पर ड्रामा कर रहे थे तो शेखों ने टाइट कर दिया। वो कहते हैं कि मैं चाहता हूं इंडियन आर्मी जाए, मैं चाहता हूं हिंदुस्तानी जाए, हिंदू वहां पर कटेगा, बहुत समय हो गया है कि हिंदू वहां पर ज़िबह नहीं हुआ है, हम हिंदुस्तान पे फतेह करेंगे इंशाल्लाह। 2-4 उसने चूरन खिला दिया। अच्छा, आप लोग पागल हो गए, जैद भाई। अरे यार सुनो, आपको अफगानिस्तान में हिंदू मारने हैं, पाकिस्तान में हिंदू मारने आसान है। एक मोहल्ला है, इस मोहल्ले में 1000 घर हैं, एक घर हिंदू का है, उसकी बेटी उठा ली, उसको कन्वर्ट करवा दिया, ठीक है। अनीता को आपने आयशा बना दिया, आप कर सकते हैं, अकेला है। अच्छा, उसके बाप के पेट में आपने चाकू मार दिया, उसके भाई की आपने गर्दन रेत दी, ठीक है, फिर आप बड़े मर्द मोमिन बन गए। इधर आओ ना इंडिया, इंडिया आगे क्यों नहीं करते, यहां पे आओ, यहां पे करो। कितने बड़े हम जाएंगे लाल किले, इतने लंबी लंबी छोड़ते हैं ये लोग अफीम के नशे में, हम लाल किले में, वो बच्चों का एक गाना नहीं था कि नहीं, वो बच्चे क्या वो बोल रहे थे कि हम गाय के कबाब खाएंगे और शिमला में, ये पता नहीं यहां पे सभी, मैं बच्चों को तो कुछ नहीं कह सकता क्योंकि वो छोटे बच्चे हैं, मैं उनको क्या बोलूं, लेकिन मैंने जो पहले बात बोली थी फिर बच्चों को आज भी बोलूंगा, बेटा आपके अब्बू जाहिल हैं बिल्कुल, आपके अब्बू ने आपको कुछ नहीं सिखाया, नथिंग दे हैव टॉट, ये लड़ भी नहीं पाते ठीक से। इसीलिए देखो, ये अफगान तालिबान की विक्ट्री, चाहे वो खरीदी हो, विक्ट्री तो विक्ट्री है, जीत तो गया अफगान तालिबान, ये अफगान तालिबान की विक्ट्री में खुशी मना रहे हैं। अरे अपने बाजवा से सवाल पूछो कि भाई तूने 3 साल का एक्सटेंशन लिया था किस चीज के लिए, तू भी तो लड़, तू भी तो जिहाद फी सबीलिल्लाह कर, इतने बड़े बड़े प्लॉट ले रखे हैं डीएचए के, कब लड़ेगा भाई, कब मर्दानगी जागेगी, कब इस्लाम जागेगा, कब तुम्हारे अंदर सोया हुआ मुजाहिद जागेगा कि तुम घोड़े पे बैठोगे और तलवार लेकर लाल किले के ऊपर सब परचम लहरा के निकल जाओगे कि हम कल सुबह का नाश्ता दिल्ली में करेंगे इंशाल्लाह। एक डायलॉग तुम्हारा यार, कुछ तो ये कुछ नहीं करते। ये अफगान तालिबान जीत गया, ठीक है, चाइना ने गोल्ड मेडल ले लिया, ठीक है, ईरान ने बहुत, देखो ईरान के अंदर वर्ल्ड का 15-20% तेल है, बड़ा अमीर मुल्क है,
तुर्की ने एर्दोगन गाजी बना दिया, इनका नेशनल एंथम इंपोर्टेड है वैभव, ये पाक सरजमीन शादबाद जो इनका नेशनल एंथम है वो फारसी में लिखा हुआ है और इनकी नेशनल लैंग्वेज उर्दू है। इनका हर चीज, इनकी विक्ट्रीज इंपोर्टेड है, इनकी मॉरालिटी इंपोर्टेड है, इनकी आइडेंटिटी इंपोर्टेड है, इनकी जातें इंपोर्टेड हैं, इंट्रिंसिक टू पाकिस्तान कुछ भी नहीं है। दैट इज वाई दिस कंट्री इज इन सच अ कंफ्यूजन, कि जहां इन्होंने देखा अच्छा हो या बुरा हो कोई जीत गया, दे क्लेम विक्ट्री। अभी कह रहे हैं अफगान हमारे भाई हैं, क्या कहा तालिबान ने, तालिबान ने कहा कि बॉर्डर खोलो, बिना वीजा के लो अंदर इनको, रेफ्यूजीज को लो, अभी बिना वीजा के रेफ्यूजीज को अपनी जमीन में लो, अब जाओ उनको बोलो लो। अब पाकिस्तान को यह नहीं पता, जो पांचवा मेरा पॉइंट था यह था आखिरी पॉइंट, कि पाकिस्तान में जो रेफ्यूजी क्राइसिस अभी बढ़ने वाला है, वैभव कराची हैज गॉट द हाइएस्ट पॉपुलेशन ऑफ पश्तूंस एनीवेयर, कराची में जितने हैं, अब आप देखिएगा क्योंकि रिश्तेदार हैं बाकी भी कराची पहुंचेंगे, आपको लगता है पेशावर में रहेंगे, ये अपॉर्चुनिटीज, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज पाकिस्तान में तो कराची में है, 65% ऑफ जीडीपी ऑफ पाकिस्तान इज फ्रॉम कराची, ये पहुंचेगा कराची और कराची में फिर वही पुराने वाला ड्रामा शुरू होने वाला है, एथनिक किलिंग्स जो हैं, जो क्लेंजिंग हुई है, आप वही चीज देखेंगे कराची में। तो ये जो पूरा, अगर हम उस तनाजुर में देखें उसको, उस एक, एक दायरे में देखें कि किस तरीके से अफगान तालिबान का आना पाकिस्तान के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक है। ये कह रहे हैं कि हम कश्मीर में भेजेंगे अफगान तालिबान को, अरे भाई ठीक है भेज देना, तुम्हारी मर्जी है ना, तुम्हारी खुशी है, भेज देना कश्मीर में अफगान तालिबान को, उनसे पूछ तो लो एक बार, इनको पूछ तो, तुम्हारी खुद की फौज की हिम्मत नहीं कश्मीर में आने की, इसीलिए कह रहे हैं तालिबान को भेज देंगे। मुझे एक बात पाकिस्तानी को समझ में नहीं आती, अरे तुम चाहते हो कि मुल्ला बरादर 1000 तालिबानी कश्मीर में भेज दे इंडियन आर्मी से लड़ने के लिए, ठीक है अग्रीड, हम मना नहीं कर रहे, स्वागत है आपका, आप आइए, लेकिन जितना हक मुल्ला बरादर पे जताते हो तुम, उतना कमर जावेद बाजवा पे भी जता दो, अपने जर्नल से तो बोलो कि भाई तुझे दिया था 3 साल का एक्सटेंशन, लड़ेगा किस दिन, किस दिन लड़ेगा, कि सिर्फ मेडल लटका के वहां पे बैठना है और कोई काम वाम नहीं है, लड़ो। तो वही चीज है, चाइना ने मेडल जीत लिए, वेल डन, अफगान तालिबान काबुल पर चढ़ दौड़ा, वेल डन, ईरान के पास तेल है, वेल डन, तुर्की ने टीवी सीरियल बनाई, वेल डन, अब कश्मीर में लड़ेगा कौन, अफगान, ये नहीं लड़ेंगे खुद, जो पाकिस्तान के पंजाबी हैं वो कहीं नहीं लड़ेंगे, वो बैठ के कढ़ाई खाएंगे, वो बैठ के पाए खाएंगे, उनका यही काम है बस, सवेरे से रात तक खाएंगे, लड़ाएंगे किसी और को, अरे तुम में हिम्मत है तो तुम लड़ लो, या तुम में हिम्मत नहीं, तुम्हारी फौज में तो हिम्मत होगी, तुम कहते हो वर्ल्ड की नंबर वन है, चलो तुम्हें अच्छा लगता है, हम भी कह देते हैं यार नंबर वन है, चलो तुम्हें अच्छा लगता है ना सुनने में, कह दो वर्ल्ड की नंबर वन है, पर भाई अपनी फौज को तो बोलो लड़े, कश्मीर को आजाद करना, ईमान तक्वा जिहाद फी सबीलिल्लाह, ये तालिबान का नारा तो नहीं है, ये पाकिस्तानी फौज का नारा है, तो पाकिस्तानी फौज से क्यों नहीं कहते कि तुम कश्मीर पे चढ़ो, लड़ाई करो ना कश्मीर पे, चढ़ाई करो ना, हमें भी तो लगे कि हमारे हमारे दुश्मन में कुछ वेट है, कुछ वजन है, ये हर समय उम्मीद किसी और से रखते हैं, अमेरिका पैसे दे देगा, तालिबान हमारी लड़ाई लड़ लेगा, चाइना से भी हम थोड़े से पैसे ले लेंगे, अब तुर्की से हम थोड़ा घूमने चले जाएंगे तुर्की में फ्री में, तुर्की से हम भी पैसे ले लेंगे, मलेशिया हमें कुछ और दे देगा, पाम ऑयल दे देगा, ईरान हमें, ये सबसे मांगने में लगे हुए हैं, ये अफगान तालिबान वाला मामला भी जो है ना, ये पाकिस्तान की खैरात मांगने की आदत है, क्योंकि उनसे क्या मांग रहे हैं, पैसे तो मांग नहीं सकते, तालिबान के पास है नहीं, ये पाकिस्तानी तालिबान से भी फाइटर मांग रहे हैं कश्मीर में लड़ने के लिए, क्योंकि इनको लगता है कि वो कश्मीर आजाद, इन्होंने इनको एक बार ये लगा था कि हम जोर बाजू से कश्मीर को आजाद कर लेंगे, कोट एंड कोट, इनको बड़ा, ये लाहौरी जो है ना, लाहौरी, इनको बड़ा शौक है कश्मीर आजाद करने का, कराची वाले पैसे वैसे कमाने के चक्कर में, कराची वाले कह रहे हैं भाई देखो दूर करो ये सब बातें, हमारे टाइम है, ऑफिस का टाइम निकल रहा है, वो प्रोफेशनल लोग हैं, वो इन सब चक्करों में नहीं पड़ते, ये लाहौरी हैं, सवेरे पाए खाए लस्सी पी लेट गए, उसके बाद कश्मीर की आज़ादी का जुनून उनके ऊपर चढ़ता है। अच्छा जितने भी लाहौरियाँ हैं ना, इन सबको कश्मीर आज़ाद करना है, पर कश्मीर आज़ाद कोई और करेगा, ये लाहौरी कभी नहीं करेंगे, ये पंजाबी में और गंदी उर्दू में बात करते हैं, मैंगल्ड उर्दू में, और ये कैसे आज़ाद कराएंगे, अब इनको अफगान तालिबान चाहिए जो जाएं और कश्मीर को आज़ाद कराएं, ये इनका इंटरेस्ट है। जस्ट इमेजिन, पहले खुद करवाना चाहते थे, खुद फेल हो गए, फिर उन्होंने टेररिस्ट भेजे अंदर, वो फेल हो गए, फिर किसी ने बोला कि साहब ये चीन आज़ाद करवा देगा, देख लेना चीन जो है ना वो शायद कश्मीर आज़ाद कराए, फिर चीन के पीछे बड़े, चीन ने बोला तुम्हारा दिमाग विमाग खराब है, हम पैसे कमाने वाले लोग हैं यार, हम गले पे बैठे लोग हैं, ये आज़ाद फ़ाज़ाद कराने का चक्कर नहीं है हमारा, वी आर सेंसिबल पीपल, हम धंधे की बात करो, पैसे की बात करो हमसे, ये आज़ादी है और मुल्कों में ये होना चाहिए और ये लंबी चौड़ी बात है, नहीं चीन के साथ बात करो पैसे की,
तुम्हारे पास कितने और हमारे पास कितने, लेट्स टॉक बिजनेस, टॉक सेंस. आई हैव बीन टू चाइना मेनी टाइम्स एबव एंड आई रियलाइज वन थिंग अबाउट द चाइनीज, दे ऑलवेज टॉक बिजनेस. चाइनीज के साथ बात करो धंधे की बात करो. ये पाकिस्तानी लाहौरी ना फालतू की बातें करते हैं, दैट इज व्हाई चाइनीज गेट इरिटेटेड विद देम. दुनिया भर की बातें कर रहे हैं, धंधे की बात नहीं कर रहे. दे नेवर टॉक मनी. ये पैसे की बात करेंगे, लाहौरी तो मांगेंगे पैसे, देने की बात कभी नहीं करेंगे. अच्छा, एक और चीज, इन्होंने सबसे तवक्को रखी कि कोई ये कर देगा, कोई ये कर देगा. फिर उन्होंने बोला कि नहीं, तुर्की आवाज उठाएगा कश्मीर के बारे में. तुर्की ने ज्यादा कुछ नहीं बोला. मलेशिया वो बुड्ढे के टांग तोड़ दी हमने, पाम ऑयल नहीं लिया उससे, वो चला गया लंगड़ाते हुए. ठीक है, वो फारिग हो गया बुड्ढा. इन्होंने फिर बोला कि इंडोनेशिया कुछ करेगा, इंडोनेशिया ने बोला भाई राम राम तुम चलो. ये सबसे जलील होने के बाद वैभव, इन्होंने बोला कि इमरान खान जो है वो कश्मीर का सफीर बनेगा. उन्होंने कश्मीर सफीर बनने का अनाउंसमेंट करा था, 3 महीने बाद इंडिया ने एब्रोगेशन ऑफ 370 कर दिया. 370-35 5th ऑफ अगस्त को चला गया. अब ये चाहते हैं, आखिरी इनकी उम्मीद है तालिबान कि तालिबान कुछ करके इनको कश्मीर देगा. ये आदत है पाकिस्तानियों की, तालिबान को कश्मीर में लाना चाहते हो. आज मैं ऑफिशियली ऑन द रिकॉर्ड कह रहा हूं, स्वागत है आपका, आइए कश्मीर, कुछ दिन तो बताइए कश्मीर में. अब एक आखिरी एक और फैक्टर आ रहा है नॉर्दर्न अलायंस का. पहली बात तो जिन लोगों को यह लगता है कि अफगानिस्तान में पश्तून मेजोरिटी है, वो गलतफहमी है उनकी. पश्तून सबसे ज्यादा हैं वहां पे, लेकिन मेजोरिटी मतलब क्या वो 50% है? नहीं, वो 40-45% है. वहां पे ताजिक भी हैं, वहां पे उज़्बेक भी हैं, वहां पे हजारा भी हैं, वहां पे कुछ बलोच भी हैं, वहां पे अलग अलग किस्म के मुख्तलिफ लोग हैं वहां पे. ठीक है, नॉर्दर्न अलायंस फैला हुआ था. नॉर्दर्न अलायंस आज की तारीख में है पंचेर वैली में. अहमद शाह मसूद को कहते थे वैभव एक टाइम पे ना लायन ऑफ पंचेर, जिसको असासिनेट कर दिया था वो कैमरा के अंदर बॉम्ब डाल के, अलकायदा वगैरह ये सब. चाहे आप अफगानिस्तान में बुरहानुद्दीन रवानी का नाम लें, फॉर एग्जाम्पल मैं उदाहरण दे रहा हूँ, अब्दुल्ला का नाम लें, ठीक है, फिर आप और भी इनके जो दीगर लीडर्स रह चुके हैं ये सब कौन हैं? ये सब नॉर्दर्न अलायंस वाले लोग हैं कि जब 9/11 के बाद तालिबान भाग गया था तो ये लोग आए और उन्होंने इख्तदार संभाला काबुल में, राइट. अब जो अशरफ गनी है, अशरफ गनी तो एक ज़माने में अमेरिकन सिटीजन हुआ करता था, फिर वो अफगानिस्तान में आया और फिर उसको, क्योंकि उनको बनाना था, उसने अमेरिकन सिटीजनशिप अपनी दे दी और उसने अफगान सिटीजनशिप ले ली. कम से कम अफगानों में इतनी तो तमीज है कि कोई भी इंपॉर्टेंट अगर ओहदे में होगा ही हैज टू बी एन अफगान सिटीजन. कम से कम अफगानों में इतनी गैरत तो है. पाकिस्तानियों का तो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अमेरिकन है यार, वो पाकिस्तानी सिटीजन ही नहीं है, या कम से कम उसके पास ग्रीन कार्ड है अमेरिका का अगर फुल फ्लेज सिटीजन नहीं है तो. मैं ये कहना चाहता हूं कि देखो बात यह है कि ये जो नाम मैंने लिया ना, ये सब नॉर्दर्न अलायंस वाले लोग हैं. अब अहमद शाह मसूद तो नहीं रहे, उनका बेटा जो है अहमद मसूद वो पंचेर में बैठा हुआ है. अमरुल्ला सले वहां पे पहुंचा. अमरुल्ला सले ने 2-3 बातें बोली. पहली चीज ये बोली कि आई एम द प्रेसिडेंट ऑफ अफगानिस्तान अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अफगानिस्तान. अमरुल्ला सले ने अपने आप को अफगानिस्तान का प्रेसिडेंट डिक्लेयर करा. फिर अहमद मसूद जो कि अहमद शाह मसूद का बेटा है, उसके साथ मिलकर इन्होंने वॉर डिक्लेयर कर दिया तालिबान के ऊपर. अब क्या होगा कि जो चाइना के जो मुखालफत करते हैं, चाइना के खिलाफ जो नेशंस हैं, वो इनको पैसा देंगे. और मैं तो कह रहा हूँ इंडिया को भी एक बजट बना देना चाहिए इसका. सीधी सादी बात है, हमारे पास देखो क्या है, पैसा है. वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन पुटिंग ट्रूप्स ऑन द ग्राउंड इन अफगानिस्तान बिकॉज लॉजिस्टिकल लाइन ऑफ बड़ा मामला है थोड़ा सा, और कोई इशू नहीं है. वी वुड हैव पुट ट्रूप्स, द ओनली इशू इज हाउ टू गेट टू अफगानिस्तान, हाउ टू गो आउट, दैट इज द ओनली प्रॉब्लम. बट पैसा तो आजकल आप इंटरनेट से ट्रांसफर कर सकते हैं. हर महीने $100 मिलियन आप दे दें इंडिया के लिए, $1.2 बिलियन ईयर कुछ भी नहीं है, ये भगोने की खुरचन है नीचे से, ये कहीं से निकल जाएगी. ठीक है, भारत के लिए खुरचन है ये, खुरचन जो पतीले के नीचे जब बिरयानी खुरच के निकालते हैं ना, वो वाली है भारत के लिए, थोड़े खुरचन का एक छोटा सा टुकड़ा. $1.2 बिलियन ईयर. आप अहमद मसूद को बोलें कि हम तुम्हें हर महीने $100 मिलियन देंगे, 100 मिलियन, 1 तारीख को तुम्हारे अकाउंट में हिट कर जाएगा, तुम आर्मी पालो, तुम सब कुछ पालो. इसके अलावा हम तुम्हें हेलीकॉप्टर्स देंगे, इसके अलावा तुम्हें टैंक्स चाहिए, हम तुम्हें टैंक्स देंगे, आप उनको दे दीजिए टैंक्स. आपके पास T-72s पड़े हैं, वैसे भी आप चेंज करने वाले हैं, और T-72 परफेक्टली सर्विसेबल गुड टैंक्स, अब दे दीजिए उनको. अब आप पहुंचाएंगे कैसे, आपको देखना पड़ेगा. हाउ विल द टैंक्स रीच पंचेर, वो देखना पड़ेगा, क्योंकि इट्स अ वेरी कॉन्वोल्यूटेड प्रोसेस. वरना आप जो नेबरिंग कंट्रीज हैं सेंट्रल एशिया की, आप उनके उनसे बोलिए कि वो पहुंचाएंगे, आपको इंडिया से थोड़ा ना फ्लाई इन करना है, आप उल्टी तरफ से मंगवा लीजिए, पैसे ही तो देने हैं.
इनको पैसे दीजिए, इनको लेटेस्ट वेपनरी दीजिए, इनसे बोलिए कि अपनी फौज इकट्ठा करें, एंड देयर आर इनफ ताजिक इन उज़्बेक यार, हम 2 लाख की फौज इकट्ठा करो और इंडिया उस फौज को फंड करेगी अलॉन्ग विद सम अदर कंट्रीज। उस फौज का जो लीडर है, जो इंटरिम गवर्नमेंट का लीडर, आप बनाइए अमरुल्ला सलेह को और फौज के लीडर बनाइए अहमद मसूद को, वो चीफ बन जाएगा उनका, जैसे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ द नॉर्दर्न अलायंस टाइप जो भी बनाना है, और उसको बोलिए कि साहब आप करो, उसका पैसे लो, हर महीने पैसे लो, हर महीने आपको पैसा मिलेगा, आपकी फौज की तनख्वाहें, उनका वेलफेयर वगैरह सब कुछ, उनकी ट्रेनिंग सब कुछ करो और चढ़ दौड़ो तालिबान के ऊपर, ठोक दो उनको, हज़ारों को लो, ताजिक को लो, उज़्बेक को लो, सब अफगानिस्तान के अंदर हैं, और बाकी सब तो भाग गए, अशरफ गनी भाग गया ना, बाकी सब भाग गए इनके, मार्शल दोस्तों एवरीबडी इज गॉन, बट अमरुल्ला सलेह तो अभी तक अफगानिस्तान में है, पंशेर तो अफगानिस्तान में नॉर्थ ईस्ट के ऊपर, तो इंडिया शुड डू इट, इंडिया शुड फंड द नॉर्दर्न अलायंस, या फिर इंडिया बोले अगर ये नहीं करना है, अगर इंडिया ये नहीं करना चाहता, फिर आप तालिबान से बात करो, लेकिन एक बात ध्यान रखना, तालिबान से आप बात करोगे यू विल नेवर बी एबल टू राइट द चेक्स एज लार्ज एज द चाइनीज, इस चीज का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो बेट करना पड़ेगा इंडिया को, इंडिया किस पे पैसा लगाएगा, कौन से घोड़े पे पैसा लगा रहा है, ये इंडिया को देखना है। अगर इंडिया नॉर्दर्न अलायंस पे पैसा लगाएगा तो ठीक है, अगर इंडिया कहता है कि हमें तालिबान के साथ एंगेज करना है, तो फिर आप एक बात समझ लेना, तालिबान विल बी टोटली अंडर द कंट्रोल ऑफ द चाइनीज। चाइनीज चाहते क्या है यार वैभव, चाइनीज के भी 2-3 एम्स है ना, चाइनीज ये चाहते हैं पहली चीज दुनिया को ये दिखाना कि जहां पे रशिया यूएसएसआर फेल हो गया, जहां पे अमेरिका द वर्ल्ड सोल सुपर पावर फेल हो गया, वहां पे चाइना विल सक्सीड। हाउ विल दे सक्सीड, रशिया मेड द मिस्टेक ऑफ पुटिंग बूट्स ऑन द ग्राउंड, अमेरिका मेड द मिस्टेक ऑफ पुटिंग बूट्स ऑन द ग्राउंड। अमेरिका को और भी एक खुजली थी, डेमोक्रेसी, वुमेन्स राइट्स। चाइनीज कहते हैं यार किसी की राइट कुछ नहीं होती, राइट सिर्फ चाइनीज आदमी की होती है, बाकी तुम दुनिया भर में सब जानवर है, सिर्फ चाइनीज अच्छे लोग हैं। ठीक हो गया, तो चाइनीज ने क्या करा है, चाइनीज ने बोला कि हम एक चाइनीज सोल्जर नहीं डालेंगे अफगानिस्तान में, तुम्हें कितने चाहिए साहब, मुझे 10 मिलियन चाहिए, ये लो 20 मिलियन, मुंह पे पैसे ठूस है, जमीन पर पड़े रहो, जब हम बोलेंगे तब भौंकना, जब हम बोलेंगे पूछ लाना, कहा नहीं ये चाइनीज मॉडल है। कहीं पे भी दुनिया में किसी भी 50-60 मुल्कों में जहां पे भी चाइना ने इन्वेस्टमेंट करी है, चाइना ने एक चाइनीज सोल्जर नहीं डाला वहां पे, मनी टॉक्स। और जो अफगान आर्मी पैसे के लिए अपने मुल्क को बेच सकती है, भाई एक ही घर में 2 लड़के हुए, एक बेटा तालिबान चला गया, एक बेटा अफगान फौज चला गया, तो आपको क्या लगता है एक बार इख्तदार में आ गए और एकदम सेटल हो गए? देखो बकरा जब कटेगा तब बटेगा, अभी तक तो बकरा बड़ा ही हो रहा था, मोटा हो रहा था, अब बकरा कट गया है, अब बटेगा। और इसमें कई सारे तालिबान में ऐसे लोग होंगे, कमांडर्स होंगे, क्योंकि वॉरलॉर्ड्स वाली कंट्री है ना ये, उसमें कई लोग होंगे जो डिससैटिस्फाइड होंगे कि भैया मुझे तो गोल बोटी चाहिए थी, तुमने मुझे चीजड़ा दे दिया। तो बोलेगा साहब मुझे रान का पीस चाहिए था, आपने तो मुझे कुछ और ही था, आपने पूंछ पकड़ा दी दिल्ली में, पूंछ का क्या करूंगा। इट इज लाइक दैट, बकरा जब कटेगा तब बटेगा, अब कट चुका है बकरा, अब बटने में कई लोग, बिकॉज यू कैनॉट मेक एवरीबडी हैप्पी, एवरीबडी हैज गॉट एन आउटसाइड सेंस ऑफ हिज ओन कॉन्ट्रीब्यूशन टू द कॉज। हम इस कमरे में 4 लोग बैठे हैं, ठीक है, आपको कुछ लगता है, आदित को कुछ लगता है, सैंडी को कुछ लगता है, मुझे कुछ लगता है, अब है क्या चक्कर, आपको लगता है ये साहब एंड में क्या होगा, एंड में क्या होगा, जब बटेगा तब ये बोलेगा साहब मैं तो हैप्पी नहीं हूं, मुझे तो पूरा चाहिए, है ना, मैं बोलूंगा मुझे पूरा चाहिए। बांटना कोई नहीं चाहता, इट इज नॉट इन ह्यूमन नेचर टू शेयर। तो यही चीज़ है, अब ये तालिबान में भी फ्रैक्चर्स आएंगे, पहले भी आ चुके हैं, तालिबान इज नॉट होमोजीनियस एंटिटी, तालिबान में फ्रैक्चर्स आएंगे। और कहाँ पे इंडिया का फायदा है, इंडिया को ये ज़्यादा मोरालिटी वोरालिटी करते हैं ना ये नॉर्थ ब्लॉक वाले, मुझे तो पसंद नहीं आती बात यार इनकी, मैं सही बता रहा हूँ, कि वी आर द लैंड ऑफ गांधी एंड बुद्धा, वो ना अपने सूट वूट पहन के आते हैं, लाल टाई लगा के, यहाँ पे पॉकेट स्क्वायर लगा के, एंड वी बिलीव इन द वैल्यूज ऑफ नॉन वायलेंस एंड, ये मत बोलो ये सब, ये देश के लिए हानिकारक है, दिस इज लाइक अ पैकेट ऑफ सिगरेट्स, पीते हुए अच्छा लगेगा फेफड़े गल जाएंगे। साफ सीधी बात है, आप ये देखिए भारत के मफाद में क्या है, अगर भारत के मफाद में तालिबान से बात करना है तालिबान से बात करिए, अगर भारत को लगता है लॉन्ग टर्म हम लोगों को नॉर्दर्न अलायंस में पैसा डालना है नॉर्दर्न अलायंस में पैसा डालो, बट टेक अ साइड और इधर बी स्मार्ट, प्ले बोथ साइड्स, दोनों को पैसा दो, कुर्सी में बैठो, पिक्चर देखो, सामने से पॉपकॉर्न देखो, कौन सी साइड जीत रही है, जो जीतेगी उसको थोड़ा सा ज्यादा दे देना, पैसे दोनों को देते रहो, ये भी एक चीज है। सो इट इज द वे वी लुक एट इट एंड इट इज द वे वी वॉन्ट। आई थिंक इंडिया शुड नॉट, इंडिया विल नॉट लीव अफगानिस्तान। देखो हिंदी में हम सब लोगों ने पढ़ा, रिक्तस्थान की पूर्ति आपने पढ़ी होगी ना, फिल इन द ब्लैंक्स, अगर आप चले गए अफगानिस्तान से
तो कोई ना कोई पैर वहां पे जमा लेगा। और अफगानिस्तान से कश्मीर कितना दूर है आपको पता है? एक्चुअली इट इज लेस देन 200 किलोमीटर्स। वो ठीक है वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान बीच में है, बट अफगानिस्तान टू कश्मीर इज नॉट वेरी फार, बगल में ही है, स्टोन्स थ्रो है, लिटरली स्टोन्स थ्रो है। स्पीकिंग इन स्ट्रेटेजिक टर्म्स इट इज अ स्टोन्स थ्रो। आप ऐसा पत्थर फेंकिए कश्मीर में गिरता है। तो आपको अफगानिस्तान में इन्फ्लुएंस मेंटेन करना पड़ेगा कश्मीर को स्टेबलाइज करने के लिए और सेंट्रल एशिया जाने के लिए। अफगानिस्तान इज जियो स्ट्रेटेजिकली एंड पाकिस्तान हैज बीन आइसोलेटेड। अंत में मैं वही बात कहूंगा, टू एंड ऑल दिस आई विल जस्ट से वन थिंग। वैभव देखो सब लोगों ने अफगान तालिबान से बात करी, ठीक है, दोहा में पाकिस्तान का इनपुट था, इसमें कोई डाउट नहीं है, पाकिस्तान ने कोशिश करी सब। अब सब मिल गए, सब लोगों ने विजिटिंग कार्ड एक्सचेंज कर लिए, अब पाकिस्तान को कुछ पूछ नहीं रहा। पाकिस्तान का जो लाहौरी मीडिया रो रहा है, क्योंकि तालिबान को जब फोन आता है ना, तो वो जो तालिबान को अफगानिस्तान में कॉल आता है वो रावलपिंडी के थ्रू नहीं आता या इस्लामाबाद के थ्रू नहीं आता, वो डायरेक्ट आता है। तो मुल्ला बरादर पहुंचा है काबुल, मुल्ला बरादर किस तरीके से पहुंचा है? वो डायरेक्ट काबुल पहुंचा है, वो थोड़ा ना गया था वहां पर सलाम ठोकने के लिए कि जनाब आप जनरल बाजवा हैं तोहफा कबूल कीजिए, उसने ऐसा नहीं बोला। ही टुक अ फ्लाइट, ही रीच्ड काबुल। फिर ईरान उनसे बात कर रहा है, ईरान के तो मफाद में था कि लोग खाली करें यहां से, अमेरिकन प्रेजेंस उसको खलता था अफगानिस्तान में। ईरान से डायरेक्टली बात कर रहे हैं, तजाकिस्तान से डायरेक्टली बात कर रहे हैं, इंडिया से डायरेक्टली बात कर रहे हैं, अमरीका से बात कर रहे हैं, रूस से बात कर रहे हैं, और ये जितने भी मुल्क तालिबान से बात कर रहे हैं, कोई भी पाकिस्तान के थ्रू बात नहीं कर रहा, ये डायरेक्ट पाकिस्तान तालिबान से बात कर रहे हैं। तो तालिबान को अब इसका भी चस्का लग गया है। और ये जो पूरा तालिबान ड्रामा कर रहा है ना, औरतों को कह रहा है कि आप जाओ ऑफिस में काम करो, हिंदुओं और सिखों के साथ तालिबान के लीडर चाय पी रहे हैं कि आप चिंता मत करिए, आप भी हमारे भाई हैं, आप फिक्र ना करें, हम आपका ख्याल रखेंगे। ये स्क्रीन सेवर है दुनिया को दिखाने के लिए, क्योंकि अब तालिबान को पता लग गया कि ये सब चीजें भी जरूरी हैं। सिर्फ लोगों के गले रेंदना टेलीविजन स्क्रीन पे और उसका वीडियो बनाना और वेबसाइट पे अपलोड करना, दिस इज नॉट इनफ टू रन द वर्ल्ड इफ यू वांट टू रन अ कंट्री। क्योंकि उनको बड़ा टेन्यूअस होल्ड है, देखो यार साफ सीधी बात है, इट्स अ वेरी टेन्यूअस होल्ड ऑन अफगानिस्तान। पिछली बार हफ्ते 10 दिन के अंदर तालिबान की गवर्नमेंट कलैप्स हो गई थी जब अमेरिकन ने बमबारी शुरू करी थी, ठीक है। सबके अपने अपने मफाद हैं। अमेरिकन ने बोला है कि अलकायदा और इस्लामिक स्टेट का जन्म यहाँ पे, इसको यू नो ज़्यादा यहाँ पे पाँव ना बना पाए अपने अफगानिस्तान में। आप देख लीजिएगा, जिस दिन पाँव बनाएंगे वहाँ पे, जिस दिन अपने पाँव गाड़ के रखेंगे अफगानिस्तान में अलकायदा, और जिस दिन अमेरिका के ऊपर अटैक का अटैम्प्ट हुआ, अमेरिकन फिर वापस आ जाएंगे अफगानिस्तान में। उनको क्या करना है, P-52 से बम ही तो गिराने, गिरा देंगे काबुल में, भाग जाएगा दोबारा तालिबान, सेम स्टोरी रिपीट ऑल ओवर। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो था। यहाँ पे भी कनाडा में भी ये इशू चल रहा है रिफ्यूजीज का, रिफ्यूजी क्राइसिस का। अभी जस्टिन ट्रूडो ने बयान दिया है कि कुछ ये सेवरल थाउजेंड रिफ्यूजीज जो हैं अफगानिस्तान से यहाँ लेके आएंगे और उनको यहाँ पे कैनेडियन सिटीजनशिप या रेजिडेंसी देंगे और ये सब कुछ। इशू काफ़ी बड़ा है, और जैसा कि इन्होंने कुछ पॉइंट आउट किया कि इंडियन गवर्नमेंट को कैसे डील करना चाहिए, हालांकि वो थोड़ा डीप नहीं था इतना एनालिसिस, एंड आई अंडरस्टैंड दैट्स फॉर द लेमैन। और हमारे इंडियन गवर्नमेंट में जो स्ट्रेटेजिक थिंकर्स हैं और जो हाई लेवल पे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, वो भी इन सब पॉइंट्स के ऊपर सोच रहे होंगे कि इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है और रिफ्यूजी क्राइसिस को कैसे मैनेज करना है। क्योंकि हिंदू और सिख फैमिलीज भी वहाँ पे हैं जिनको अभी प्रॉब्लम हो रही होगी, तो उनको भी वहाँ से सेफली बाहर निकालना है। और बाकी जो पाकिस्तान का रोल है वो तो आपने देखा ही, उनके मीडिया पे जैसे वो जायद हामिद और ये सब क्लियर टर्म्स में ऐसे बोल रहे हैं, इट्स वेरी शॉकिंग, एंड इट्स नॉट शॉकिंग फ्रॉम कमिंग फ्रॉम पाकिस्तान, क्योंकि वहां पे तो कल्चर ही ऐसा है, नॉर्मल है। बट एनीवेज वी हैव टू टेक केयर ऑफ अवर सेल्फ एंड डिफेंसिव ऑफेंस चैनल जो है ये काफ़ी इन सब मुद्दों के ऊपर वीडियोज बनाते हैं, तो आप भी इनको सपोर्ट कीजिए, देखिए और अपना थॉट प्रोसेस है वो जो क्लियर रखें, क्योंकि जो पाकिस्तानी चैनल पे आके नेशनल मीडिया के ऊपर इतना क्लियरली ये सब स्टेटमेंट्स देना, दैट्स वेरी स्ट्रेंज एंड दैट इज़ वेरी सीरियस। किसी भी दुनिया के न्यूज़ चैनल पे आप देख लीजिए, वेस्टर्न वर्ल्ड में, अमेरिका, कनाडा या उधर अपने वहाँ इंडिया में भी, यू कैन नॉट स्पीक क्लियरली लाइक दिस, इट्स अगेंस्ट अ पर्टिकुलर कम्युनिटी। तो ये बहुत ही सीरियस चीज़ है और world should pay attention to this and we should also make effort to bring this
इन फ्रंट ऑफ एवरीवन्स आईज कि ये उनका थॉट प्रोसेस है एंड दिस इज हाउ दे ट्रीट अदर्स। तो और इसके साथ साथ ये भी है कि हमें दूसरों के साथ ऐसा बिहेवियर नहीं करना चाहिए। रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म इज रॉन्ग इन एनी वे, वो कोई भी करे, और अपना कॉन्शियस ठीक रखना चाहिए और वी शुड थिंक रेशनली इंस्टेड ऑफ बींग इमोशनल एंड थिंकिंग फ्रॉम द रिलीजियस लेंस ओनली। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो प्लीज डिफेंसिव ऑफेंस का चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए और उनकी वीडियो भी लाइक कर देना, हमारा भी सब्सक्राइब कर लीजिए उसी के साथ। तो अब हम आपको मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।